नमस्कार दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पिंकीज़ किचन और पिंकीज़ किचन में आज बनेगा अमरूद का चाट चटपटी चाट स्ट्रीट फूड स्टाइल और बहुत ही यमी बनाने वाली हूँ मैं इसको ज़रूर आप लोग लास्ट तक देखिएगा इसके लिए चार पके अमरूद लिए हैं मैंने आप देख सकते हैं किस तरह का है थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है और इसको हम पहले क्या करेंगे पहले काट लेंगे तो कल मैंने इसी अमरूद की एक और रेसिपी बनाई थी जो कि सब्जी थी आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके के देख लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा तो इस अमरूद को पहले में हम काट लेंगे और इसको पीसेज में काटेंगे थोड़े बड़े बड़े पीसेज काट लेंगे इस तरीके से ठीक है और सारे को हम काट के रख लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे सारा अमरूद काट लिया है अब लेंगे एक बड़ा सा बाउल मतलब जितना बड़ा बर्तन हमें चाहिए कि जिसमें हम चाट आसानी से बना सकें तो गुआवा चाट स्ट्रीट फूड में आता है और कई जगह ये चाट बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी मिलती है तो आज आपको जो मैं दिखाने वाली हूँ ना वही यमी चाट बनाने वाली हूँ तो काला नमक आधा चम्मच आधा चम्मच चाट मसाला आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर जीरा पाउडर आधा चम्मच और साथ में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल हरी मिर्च और अदरक कूटा हुआ ये बहुत स्वाद लाता है किसी भी चीज़ में और ये देखिए ये है मस्टर्ड सॉस कह सकते हैं अगर आप मस्टर्ड सॉस खरीद के रखे हैं तो वो डाल दीजिए या फिर सरसों को पीस लीजिए उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए तो मस्टर्ड सॉस आपका तैयार हो जाएगा इसमें हम डाल रहे हैं आधा नींबू इसमें रस काफ़ी है इसलिए आधा ही डाल रही हूँ अगर आपको और भी खट्टा पसंद हो तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिएगा और नमक थोड़ा सा काला नमक डाला था आधा चम्मच और आधा चम्मच हमने सादा नमक डाला जो नॉर्मल सफ़ेद नमक होता है ना वो वाला क्योंकि इस नमक से थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आता है और वो वाला नमक ज़्यादा तेज होता है तो थोड़ा कम ही डाले और इन सबको अब हमें कुछ नहीं करना बस इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारी चाट लगभग तैयार हो चुकी है इसको खूब अच्छे से मिला लीजिए इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि इसमें जो सरसों का जो हम डाला है ना मस्टर्ड सॉस वो आपको मार्केट में भी मिल जाती है और नहीं मिले तो आप घर पे भी जो मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से आप बना सकते हैं और देखिए ये हमारी चाट अब तैयार है इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं और चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं एक प्लेट में तो मैंने बाहर के जो होते हैं ना कप्पी वो लाए हैं जो प्लेट्स होते हैं वो और आप लोग जो भी बोलते होंगे वो बोल दीजिएगा और यहाँ पर मैं उसी में सर्व कर रही हूँ और ये बहुत ही लगेगी आप ऐसे बना के देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं पहले देखिए इसका कलर ही बदल गया बिल्कुल और ये क्यों हुआ ये आपको भी पता है और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जिससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा देखने में तो अच्छा लगता ही है खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा तो चलिए अब इसको खा के हम आपको बताते हैं कि कैसी बनी है ये देखिए ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और कमेंट भी कीजिएगा और जाट अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में तो चलिए ये हमारी चाट तैयार हो गई और इसको आप व्रत वग़ैरह में खा सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया था तो इस तरीके से जब नवरात्रि के व्रत रखें या किसी और भी चीज़ का व्रत रखें तो आप फलाहारी में इसे खा सकते हैं और चलिए अब दूसरी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ अमरूद की सब्ज़ी और ये अमरूद की सब्जी बहुत ही यूनिक है बहुत ही टेस्टी है बहुत ही शानदार बनती है एक बार जरूर इसको आप लोग अपने घर में बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है तो ये जो अमरूद की रेसिपी है उसके लिए मैं यहाँ पे दो पके हुए अमरूद ले रही हूँ और अमरूद थोड़ा कच्चा पक्का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा अगर इस तरीके का थोड़ा ज़्यादा पक्का होगा तो उसका भी अच्छा बनता है पर इसमें मीठा थोड़ा कम डलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि खुद ही बहुत मीठा है और इसे हम क्या करेंगे कुछ कैसे भी सेप में इसको काट लेंगे क्योंकि सेप का इतना नहीं रहता कोई भी साइज़ में आप काट लीजिए और इधर कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल तीन से चार चम्मच तेल और इसमें हल्का सा मैंने नमक भी डाल दिया है मैं अक्सर हाँ सरसों के तेल में नमक डाल देती हूँ और इसको गरम करेंगे खूब अच्छे से गरम करेंगे साथ में डालेंगे काली राई, जिसको काला सरसों भी शायद बोलते हैं या राई भी बोलते हैं काली राई ही बोलते हैं तो एक चम्मच यहाँ पे इसको डालेंगे और इसको कड़कने देंगे खूब अच्छे से कड़कने देंगे साथ में डालेंगे करी पत्ता तो अगर करी पत्ता आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसके डालने से आपकी सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है तो इसको ज़रूर डालिएगा लहसुन नहीं डालना होता है इस सब्ज़ी में तो मैंने नहीं डाला है अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं और फिर इसमें डालेंगे हम जो हमने अमरूद काटे हैं वो और इसको हल्का सा हम भूनेंगे जैसे सब्जी भूनते हैं ना सेम वैसे ही हमको यहाँ पे भूनना है इसको तो भूनने के लिए दो से तीन मिनट के लिए इसको आप चला चला के भूनेंगे लेकिन उससे पहले इसके अंदर डालेंगे हल्दी एक चम्मच धनिया एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च नॉर्मल लाल मिर्च नहीं हो बहुत तीखा होता है ये तीखा नहीं होता जीरा पाउडर अमचूर पाउडर या चाट मसाला दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं आप काली मिर्च का पाउडर नमक और साथ में आप चाहें तो एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन चीनी मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये अमरूद थोड़ा मीठा है तो इसलिए मैं चीनी को स्किप कर रही हूँ आपको अगर लगे तो आप मीठे के लिए उसमें आधा चम्मच या एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं पर ध्यान रखिएगा जो अमरूद आपका कितना पका हुआ है इसको भूनते हुए जब इस तरीके से मसाला छोड़ दे एकदम कढ़ाई को तो उसमें डालेंगे हम टमाटर कटा हुआ और कटे हुए टमाटर से थोड़ा सा स्वाद और भी आता है तो टमाटर आप डाल दीजिए नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं लेकिन टमाटर डालेंगे तो और ग्रेवी थोड़ी सी आपकी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी तो यहाँ पे हमें टमाटर को गलाना है और वो गल चुका है इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी ग्रेवी के लिए अच्छा होता है तो इसीलिए थोड़ा सा पानी जरूर डालिए आप अपने मेम्बर के हिसाब से या आप कितना खाते हैं गाढ़ा या पतला उस हिसाब से थोड़ा सा ऊपर से हरी धनिया फ्रेश धनिया जैसे हो वो और बस हो गया ये सब्ज़ी ऑलरेडी तैयार है इसको थोड़ा सा और उबालेंगे हम ढक के ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे क्योंकि हमारी अमरूद अब गल चुकी है तो जब अमरूद गल जाए ना तो फिर उसको और कुछ नहीं करना होता है बस देखिए मीडियम आँच पर मैंने इसको पकाया है और ये रेसिपी मैंने पिछले वाले वीडियो में भी द, बनाया हुआ है आप लोग चाहें तो उसमें भी पूरा फुल वीडियो है वहाँ पे आप जा के देख सकते हैं और देखिए ये हमारी अमरूद बिल्कुल ही तैयार है तो गुआवा की जो सब्ज़ी है ना वो खाने में तो यमी होती ही है आप उसकी खुशबू आपको इतनी अच्छी आती है कि मैं बता नहीं सकती तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनों में पड़ोसियों में या किसी भी ग्रुप पे व्हाट्सएप पे तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में